आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और उत्तर प्रदेश में चुनावी जो सरगर्मियाँ हैं वो लगातार चलती नज़र आ रही हैं और तमाम तरह के प्रयास यहाँ पर जनता जनार्दन को अपने पक्ष में करने का हो रहा है। खैर, बीजेपी में भी बैठकों का दौर जारी है और बाकी दल भी अपनी संगठन को मजबूत करने में, अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। चाहे सुभाषपा की सावधान यात्रा कहें और चाहे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कहें और चाहे बीजेपी की लगातार बैठकों का दौर कहें। अभी हमने हाल में ही देखा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव की सरगर्मियाँ रहीं, एक जो व्यवस्था जो लगातार चलती आ रही थी उस व्यवस्था के चलते बीजेपी लगभग काफ़ी लाभ में रही। चाहे हम 14 चुनाव की बात करें, चाहे 17 चुनाव की बात करें, चाहे 22 चुनाव की बात करें, चाहे 19 चुनाव की बात करें, सभी चुनाव में एक चीज़ जरूर देखी गई कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार सम्मेलन कराए गए। हालांकि सम्मेलन और पार्टियां भी कराई हैं, बसपा भी कराई, सपा भी कराई, पर भारतीय जनता पार्टी अलग अलग वर्ग के सम्मेलन के माध्यम से अलग अलग वर्ग को अपने पाले में करते में प्रयास करती नजर आई। सम्मेलन की अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ में अभी 3 दिनों से सम्मेलन चल रहा था जिसका समापन आज सम्मानित समारोह के बाद से हो गया। सम्मेलन था पसमांडा समाज का सम्मेलन, आयोजक बीजेपी, वो बीजेपी जिसको कहा जाता है कि शायद अल्पसंख्यकों का ध्यान नहीं रखती है और कहते हैं ध्रुवीकरण करती है, ऐसे आरोप विपक्ष लगाते हैं। और इस सम्मेलन के माध्यम से माना जा रहा है कि बीजेपी मुस्लिम वर्ग को साधने का प्रयास करने में लग गई है। पसमांडा समाज यानी वो वर्ग जो कि मुस्लिम वर्ग में दलित और पिछड़ा वर्ग में कहा जाता है, इस वर्ग में तमाम लोग बीजेपी में आज भी काम कर रहे हैं, संगठन में पदाधिकारी भी हैं और लगातार अपनी भूमिका को यहाँ निर्वाह करते नजर आ रहे हैं। पर सबसे अहम बात, चुनाव से पहले सम्मेलन करके बीजेपी का क्या यहाँ पर ध्येय है, क्या लक्ष्य है? क्या बीजेपी सबका साथ सबका विकास की भावना को बताना चाहती है कि हम सबके साथ लेकर चल रहे हैं, सबको यहाँ पर एक साथ लेने का प्रयास किया जा रहा है, या जो मुस्लिम वर्ग जो जिसका जिस पार्टी का परंपरागत वोट बैंक है उसके यहाँ शेयर लगाने का प्रयास किया जा रहा है? फिलहाल महत्वपूर्ण यहाँ पर यह भी है कि इस पसमांडा समाज को सम्मानित करके उनका सम्मेलन करा के बीजेपी का लक्ष्य क्या है, महत्वपूर्ण विषय है। और कुछ बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर कि जिस तरह से लोग लगातार ये देख रहे थे कि अलग लोगों के सम्मेलन हुए, वर्ग के सम्मेलन हुए, पर साथ ही साथ यहाँ पर महत्वपूर्ण ये भी रहा कि अगर सम्मेलन हुए तो उसमें पसमांडा समाज से सम्मेलन नहीं हुआ था। पर इस बार 24 चुनाव को देखते हुए और निकाय चुनाव को देखते हुए ये बात स्पष्ट है कि बीजेपी कोई रणनीति में यहाँ पर कोई कसर नहीं करना चाहती है, इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। फिलहाल महत्वपूर्ण विषय है और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको भाई रूबरू करा लूँ। मुस्लिम स्कॉलर के रूप में आरिफ बेग भाई हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में प्रदीप तिवारी भाई मौजूद हैं, सपा हुसैन भाई नेता भाजपा के रूप में मौजूद है, सैयद मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी पर पक्ष रखेंगे, मीसम जरी भाई समाजवादी पार्टी पर पक्ष रखेंगे और वेद प्रकाश मिश्रा भाई रालोर सपा पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पहला सवाल सपा भाई से रहेगा क्योंकि बीजेपी ही आयोजक है पसमांडा जो सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया। सपा भाई क्या देखते हैं सम्मेलन के माध्यम से, क्या रणनीति है, क्या सबके साथ सबके विकास की भावना का यहाँ पर प्रचार है, या उस भावना को दिखाना चाहते हैं, या 24 के चुनाव को लेकर जो मुस्लिम वर्ग है जो अन्य पार्टियों का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है उसमें शेयर है, कैसे देखते हैं आप? देखिए गौरव जी, आज़ादी के बाद से अब तक चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे सपा रही हो, चाहे बसपा रही हो जी, इन सब ने मुसलमानों को वोट बैंक के नाम पर इस्तेमाल किया जी, इसके अलावा उनको कुछ नहीं समझा जी, जो उनकी ज़रूरतें थीं ना उन पर ध्यान दिया गया जी। और मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जी अंत्योदय की बात करती जी, यानी पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उदय होना चाहिए जी, उसका उद्धार होना चाहिए जी। और मोदी जी ने 2014 में जो नारा दिया सबका साथ सबका विकास जी और सबका विश्वास जी, वो आज दिख रहा है जी। जो नफरत अन्य दलों ने फैला रखी थी कि भाजपा मुसलमानों की दुश्मन है जी, वो आज दिखने को मिल रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान जुड़ रहा है। अच्छा। इसलिए
अन्य दलों को दिक्कत हो रही है कि जो वोट बैंक है के नाम पर जिनको हम इस्तेमाल कर रहे थे वो आज बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि 2014 से लेकर 17 हुआ, 17 के बाद आपका 19 हुआ और 22 हुआ, सत्ता में हम बने हैं और कहीं भी ये नहीं दिखा कि मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा हो। हमने मदरसों का जो मदरसों में जो खामियां थीं उनको दूर करने का प्रयास हुआ, विपक्ष को दिक्कत हुई। हमने वक्फ विकास वक्फ की जमीनों का सर्वे कराने का जो है जियो जारी किया, विपक्ष को दिक्कत हुई, क्योंकि जो वक्फ की जमीनों पर नाजायज कब्जे थे और जो सर्वे 1987 के सर्वे में गलत तरीके से वक्फ में चढ़ गए थे उन जमीनों को मुक्त कराने के लिए ये बहुत बड़ा एक कदम उठाया हमारी सरकार ने। सवाल मेरा आपसे रहेगा। जी जी, एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, उसके बाद आपका मैं सवाल ले रहा हूँ। तो इन सारी चीजों से विपक्ष को दिक्कत हुई। बात पसमानदा मैं आपको बताऊं, आजादी से लेकर अब तक लगभग 400 के आसपास, सही फिगर मुझे नहीं याद है, लगभग 400 मुस्लिम जो है वो लोकसभा के अंदर गए, जिसमें पसमांदा मुस्लिम पिछड़ा वर्ग में 60 से 65 लोग ही लोकसभा पहुंच पाए हैं। तो एक मैं कहना चाहिए कि जनरल वर्ग का ही कब्जा रहा और जो वाकई में मुस्लिम पीड़ित थे उनको उसका लाभ नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की बात कर रही है, इसलिए पिछड़े वर्ग को जो है हम ऊपर लाना चाह रहे हैं कि जो दबा कुचला है वो मुसलमान ऊपर आए और उसको लाभ इसका मिलना चाहिए। ठीक है सबर भाई, पर ये चीज आई है जो आपने कहा कि यहाँ पर आदर नहीं मिल रहा था, कमजोर वर्ग था, ये यार 14, 19 और 22 में नहीं आई, 17 में नहीं आई, 24 चुनाव को देखते हुए क्या लग रहा है आपको कि शायद अब ये बात करनी चाहिए? समय देख के बात हो रही है कि वास्तव में चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो? देखिए, हमारी पार्टी ने शुरू से मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास। मुस्लिम हमसे धीरे धीरे जुड़ रहा था। 14 में जुड़ा, वोट मिला 14 में हमको वोट मिला, मीडिया ने छापा 10% मिला। ठीक है, धीरे धीरे हमारा भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो नफरत थी वो दूर हो रही है ना। आदमी मुस्लिम समाज देख रहा है कि हमारे साथ जो बताया गया था कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है, आएगी तो वो आपको जेल में डाल देगी, आएगी तो आपका उत्पीड़न करेगी, इस तरह की कोई भी चीजें सामने नहीं आ रही। जो राशन बढ़ रहा है, जो लाभ मुसलमानों को भी मिल रहा है, आवास योजना चली प्रधानमंत्री आवास योजना, मुसलमानों को भी मिल रही है, गैस की उज्ज्वला योजना चली वो भी मुसलमानों को मिल रही है, हर योजना का लाभ मुसलमानों को मिल रहा है, पूरी तरीके से पूरा का पूरा लाभ उनको मिला, इसलिए भारतीय मुसलमानों को लग रहा है कि ये जो अब पार्टी आई है ये हमारे हित की, गरीबों के हित की पार्टी है, इसलिए लोग मुसलमान उनसे पूरी तरह जुड़ रहे हैं। और ये सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही, मुस्लिम समाज के जो अति पिछड़े लोग हैं वो खुद उस सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर उस सम्मेलन को करा रहे हैं। आप देखिए, हमारी पार्टी में अल्पसंख्यक आयोग में आप जाइए उसके चेयरमैन पिछड़ा समाज से, मदरसा बोर्ड में आप जाएंगे पिछड़ा समाज से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा समाज से, अगर आप उर्दू अकेडमी जाएंगे पिछड़ा समाज से। क्या इससे पहले की सरकारों में पिछड़ों को यह स्थान दिया जाता था? बिल्कुल बिल्कुल नहीं दिया जाता था, ये चिंता का विषय है। इसलिए पिछड़ा समाज मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ता चला जाए। ठीक है, अरे भाई भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी मैं कह रहा था, अभी आपने मेरे को बताया, यहाँ पर बताया कि क्या कहते हैं मुसलमानों के लिए काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, आपका स्टेट का मुख्यमंत्री स्टेज पे खड़े होकर बोलते हैं कि 80 और 20 की लड़ाई है, आपके प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्रधानमंत्री कब बोला भाई सवार भाई, आपने सुना कि नहीं सुना? 80 और 20 की लड़ाई इसी चुनाव में बोला है। अच्छा, जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ है। अच्छा, इसमें भरे मन से आप पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, देश की जनता आपको सुन रही है और स्पष्ट आप जवाब दीजिएगा। बिल्कुल जी, आपने आपके उस पर लिख के आ रहा मुस्लिम स्कॉलर, पहली बात तो आप मुझे बता दीजिए कि मुस्लिम स्कॉलर आप कहाँ से पढ़ के आए हैं, किस विश्वविद्यालय में मुस्लिम स्कॉलर की पढ़ाई होती है? देखिए जवाब स्पष्ट शुरू हो गए, शुरू नहीं हुआ, जवाब शुरू होगा आपको देना पड़ेगा, उसके बाद आगे की डिबेट चलेगी। मुस्लिम स्कॉलर कहाँ से? बिल्कुल यही से देकर के जाऊंगा मैं, लेकिन पहले आपने जो सवाल किया उसका जवाब आप ले लें। पहले आप उसका जवाब दे दिए, उसका जवाब यही से पढ़ा हुआ हूँ, लगभग लगातार 14 से लेकर 22 तक हमको चुनती आ रही है, इसका जवाब दीजिए। आप मुसलमानों के मुस्लिम के पक्ष पे आए, मुस्लिम स्कॉलर कहाँ से किस यूनिवर्सिटी से निकल के आए, इसका जवाब दे दीजिए। अभी आरिफ बेग साहब पहले आप जवाब दीजिए, मुस्लिम स्कॉलर किस यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं और आप किस विश्वविद्यालय से ये डिग्री लेकर के आए, मुझे बताइए, जवाब दीजिए मुझे। अच्छा एक चीज मुझे बता दीजिए, पहले आप इसका जवाब, बिल्कुल इसी का जवाब दे जाऊंगा, इसी चैनल पर दे जाऊंगा, इसी का जवाब तो मुझे एक घंटा और बढ़वाना पड़ेगा, इसी जवाब से देकर जाऊंगा मैं। जी बताइए, मुस्लिम स्कॉलर कहां से? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए, उससे बड़ा मुस्लिम स्कॉलर कोई था? हजरत अली से बड़ा मुस्लिम स्कॉलर कोई था? अबू बकर सिद्दीकी रजी अल्लाह तआला अन्हु से बड़ा कोई मुस्लिम स्कॉलर था? आप उनकी डिग्री बताइए क्या थी? आप उनसे अपनी तुलना करते हैं? मैं बिल्कुल नहीं करता तुलना, लेकिन आपने पूछा कि डिग्री की बात करते हैं, आप बताइए ना क्या डिग्री मुस्लिम स्कॉलर की है?
आप बताइए मुझे बात, मैं बताने जा रहा हूँ, पूरा देश इसको ध्यान से सुन ले। ये फर्जी मुसलमान टीवी पर आकर बैठते हैं, गलत बात। जो रिसर्च होती है, बात सुनिए आरिफ साहब, जो रिसर्च होती है वो इस्लाम पर होती है। इस्लामिक स्कॉलर होते हैं, मुसलमान पर कोई रिसर्च नहीं होती। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आप फर्जी हैं और 100% फर्जी हैं। ये देश, मैं इस चैनल पर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कोई भी तालिब इल्म जब इल्म हासिल करने जाता है तो वो इस्लाम पर रिसर्च करता है, मुसलमानों पर रिसर्च नहीं करता है। इस बात को ध्यान में कर लीजिए और अपने अपनी डिग्री को बदलिए, इस्लामिक स्कॉलर बनकर सामने आइए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर मैं आपकी बात बोलूंगा तो आप मुस्लिम स्कॉलर कहाँ से पैदा हो गए, कहाँ से आ गए? बिल्कुल पहले फर्जी डिग्री है, फर्जी डिग्री है। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए आप बताइए डिग्री कौन सी है? सवाल भाई, सवाल भाई, इस्लामिक पर, इस्लामिक सब्जेक्ट पर रिसर्च होती है, उस पर पीएचडी होती है। बिल्कुल होती है, ये सारा देश जानना जब आपको जवाब नहीं देना है तो आप मुझे जवाब दे दिया। सवाल भाई, सवाल, सवाल भाई, सवाल भाई, फर्जी स्कॉलर। सवाल भाई, सवाल भाई, बोलिए बोलिए। अरे भाई बोलिए बोलिए। आपने आपके क्या कहते हैं, आप मदरसे के सर्वे की बात कर रहे हैं, मदरसे का सर्वे करवाया आपने, बताइए 5 साल से वहाँ के टीचर को पेतन नहीं, सैलरी तनख्वाह नहीं दी है, उसकी जिम्मेदारी कौन है? आप पसमंदा समाज का सम्मेलन कर रहे हैं, बहुत ही काबिले योग्य है, आप बिल्कुल करिए सम्मेलन आप, लेकिन बताइए तो आप कितने % वहाँ के पसमंदा समाज के मुस्लिम लोगों को आपने टिकट देंगे? आपने बता तो दिया पिछला पिछले से ये है नहीं बनाए। मैं आपकी लोकसभा की बात कर रहा हूँ, कितने मुस्लिम समाज का आप टिकट देंगे? आप क्लियर करिए, आप नौकरी में कितना आरक्षण देंगे ये क्लियर करिए, आप बताइए कि आप मुसलमानों को क्या कहते हैं एजुकेशन में कितना आरक्षण देंगे? आप दीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? आप तो बिल्कुल, आपका स्वागत कर रहे हैं, आप पसमंदा समाज से आप सम्मेलन कर रहे हैं, बहुत ही काबिले तारीफ है, आप बिल्कुल। लेकिन क्या कहते हैं, कम से कम आप बताइए तो क्या करेंगे मुस्लिम के साथ में? अभी तक सिर्फ आपने क्या कहते हैं माइनॉरिटी को, आपके मुख्यमंत्री साहब बोले हैं अभी लास्ट इलेक्शन में विधानसभा के, ये लड़ाई 80-20 की है, बताएं क्लियर करिए, वो लड़ाई 80-20 की है। आपके प्रधानमंत्री भरे मन से बता तो रहे हैं भाई, आपको राशन नहीं मिलता, आपको आवास भी देते, आपको इज्जत घर भी दिया गया है। राशन देने को क्या विकास, राशन आवास बताइए, सरकार की सारी योजनाओं में आपको लाभ मिलता है, ऐसा तो है नहीं है। आप बताइए ना, राशन को देने का और आवास को देने को क्या विकास समझ लेंगे? हम बात कर रहे हैं यहाँ माइनॉरिटी, यहाँ पर समाज की बात, सबका साथ सबके विकास की बात, वही कह रहा हूँ। आप बताइए ना कि आप पसमंदा समाज का आप सम्मेलन करें, बहुत काबिले योग्य है, आपको करना चाहिए और वो हमारा वो सवाल पे जवाब देंगे। लेकिन आप बड़े मन से बताइए कि आप कितने जवाब देंगे, जवाब देंगे, लोगों को आरक्षण देंगे, एजुकेशन में देंगे, नौकरी में देंगे? ठीक है, अभी जवाब लेता हूँ, जवाब लेता हूँ, जवाब लूंगा, जवाब लूंगा। प्रदीप भाई, आपको पता है सम्मेलन हुआ है और आपकी भी भारत जोड़ो यात्रा बड़ी जोर शोर से चल रही है, कल अध्यक्ष पद का चुनाव भी आपका हो गया, 19 को परिणाम आएगा, प्रदेश में भी आपके अध्यक्ष बन गए हैं बिजलाल खाबरी और 6 प्रांतीय अध्यक्ष भी बन गए हैं, जो ये सम्मेलन हुआ इसको कैसे देखते हैं? गौरव जी देखिए, सम्मेलन लोगों को जोड़ना राजनीतिक पार्टियों के लिए अच्छा माध्यम होता है, सम्मेलन करवा करके वो और होना भी चाहिए, वो करते हैं, मगर जब आपकी नियत पे सवाल उठता है कि आप कब उस सम्मेलन को आयोजित कर रहे हैं, किन लोगों को जोड़ना चाह रहे हैं, बात तो आप जब करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास, खाली मुंह से बोल देने से, केवल आप मुंह से बोल देंगे उससे नहीं होता है। अच्छा, होता किस तरीके से, आप क्या करते हैं कि जब पसमांदा समाज के सम्मेलन को तथाकथित आप कहते हैं कि भाजपा से वो जुड़ रहे हैं, जी आप बता नहीं सकते हैं कि पसमांदा समाज के कितने लोग जो हैं बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, वो कितने आपसे जुड़ गए, आपके पास कोई डेटा नहीं होगा। एक फर्जी तरीके से सम्मेलन लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए कि मुस्लिम समाज जो वर्ग है वो मुझसे जुड़ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है, ये क्या करते हैं कि जिस समाज से, जिन लोगों से, जिन वर्ग से ये वादा करते हैं, उसी को सबसे ज्यादा ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती हैं। आज ये पसमांदा समाज के लोगों को एक स्वप्न दिखा रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी, हम आपको अभी नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें आपको टिकट देंगे, 24 में आपको हमारी सरकार बन जाती है, प्रधानमंत्री फिर से चुन लिए जाते हैं तो हम आपके लिए बहुत सारी योजनाएं चला देंगे। आप बताइए ना कि पिछले जो चुनाव हुए क्या एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को आपने वोट दिया? उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी हाल ही में हुआ, क्या दिया? नहीं दिया। आप नहीं चाहते हैं कि कोई उस वर्ग का व्यक्ति चुन करके विधानसभा या संसद पहुंचे, ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो मुस्लिमों को लेकर के, एक वर्ग
विशेष को लेकर के कटाक्ष क्या करते हैं, तरह तरह के बयानबाजी। अभी रिसेंट का ले लीजिए तो इन्हीं के दिल्ली के सांसद हैं प्रवेश वर्मा जी, कहते हैं कि आर्थिक रूप से इस वर्ग का बहिष्कार होना चाहिए। क्या कार्रवाई करी प्रधानमंत्री जी ने, बताना चाहिए उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई हो गई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने एक वर्ग विशेष को टारगेट करने का कोशिश किया है। जब भी कहीं पे कोई आतंकवादी घटना घट जाती है तो ये व्यक्ति को दोषी नहीं कहते हैं, ये एक वर्ग को उससे जोड़ देते हैं। इनका काम है उस वर्ग के खिलाफ कितनी बयानबाजी कर पाए। सही कहा हमारे भाई ने, मुस्लिम स्कॉलर जो बैठे हुए हैं उन्होंने कहा कि 80-20 की बात करते हैं, आप इस देश में क्या करना चाहते हैं, है 80-20 की, हो सकता है 80-20 हो, एक वर्ग 80% की जनसंख्या में हो, एक 20% तो क्या करेंगे आप, आप उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, उनकी भावनाओं को आहत करने का काम करेंगे, नहीं चलेगा। आपने कैसे ठगने का काम किया, जब आप सरकार में नहीं थे आपने कहा था बेरोजगार युवाओं से 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, और क्या हुआ 2 लाख भी नहीं दिया, संसद के अंदर डेटा देते हैं, उनको ठगने का काम किया। आपने किसानों को कहा था कि 2022 तक आपकी आय को दुगनी कर देंगे, काले कानून को ला करके उनको सबसे पहले संघर्ष कर लेते आप लोग भी, मैं आपको बता संघर्ष कर लेते थोड़ा सा, सरकार को याद दिलाते भाई, आपने याद क्यों नहीं दिलाया, पूरी बात कर लूं मैं, ये बताना इस तरीके से ये चाह रहा हूं कि जब ये कहते हैं महिलाओं से कहते हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, मोदी सरकार 400 रुपए वाले सिलेंडर को 1100 तक पहुँचा देते हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें कहाँ पहुँचा देते हैं, तो जब ये बेरोजगार युवा से वादा करते हैं उसको ठग, सरकार बनने के बाद ठगने का काम करते हैं, महिलाओं से वादा करके उसको ठगते हैं, किसानों को वादा करके उसको ठगने का काम करते हैं, आज पासवानदा मुस्लिम समाज के लोगों से वादा कर रहे हैं। उनको भी अगर सत्ता में कहीं भूल से भी दोबारा वापसी हो गई तो सबसे ज्यादा अगर इनका घातक समाज के ऊपर होगा, भाई समाज को कौन क्या देगा, आप देंगे नहीं तो कांग्रेस जो यहाँ पर सरकार उन्होंने दिया, कांग्रेस उन्होंने दिया क्या, कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं कहा, कांग्रेस पार्टी 80-20 की बात नहीं करती, कांग्रेस पार्टी इस भारत देश में इस अगर मुस्लिम वर्ग पिछड़ा हुआ है तो जिम्मेदार कौन है, कांग्रेस जो है भागलपुर मरियाना मेरठ की बात करती है, कांग्रेस मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी बात करती है, इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की बात करती है। आप बताइए ना कि प्रवेश वर्मा के ऊपर क्या कार्रवाई की गई, जो कहते हैं कि आर्थिक रूप से मुस्लिम समाज का बहिष्कार कर देना चाहिए, वो इस देश के लोगों को बता क्या बताना चाहते हैं, किस तरीके से तरक्की करवाना चाह रहे हैं आप भाई, बताना पड़ेगा ना आपको। तकी भाई हमारे जुड़े हुए हैं हमारी पार्टी से, तकी भाई गहन चिंतन है आपका और आप भी हमेशा से अपनी बात को बहुत मुखरता से रखते हैं। सम्मेलन यहाँ पर हुआ और यहाँ पर विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी चुनाव को देखते हुए इस तरह के सम्मेलन करा रही है, कैसे देखते हैं इस सम्मेलन को आप? देखिए अल्लामा इकबाल साहब ने बहुत सारा शेर कहा है, एक ही सफ में खड़े हो गए जी महमूद अयाज जी, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। क्या बात है, मुसलमान वो है जहाँ कोई आगे नहीं है कोई पीछे नहीं, सब एक साथ है। ये पसमंदा समाज के तहत भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों में जातिगत समीकरण रचने की बात कर रही है और मुसलमानों को जातियों में बांट दिया, जैसे आज की डेट में उसे हिंदुओं को जातियों में बांट दिया है जी। तो ये समाज के अंदर विष घोलने का काम किया जा रहा है जी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठा के देखिए, सच्चर कमेटी ने कहा है मुसलमानों का हालत भारत के अंदर आज की डेट में दलितों से भी खराब है। अच्छा, क्या भारतीय जनता पार्टी ने आज की डेट में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जी? क्या मुसलमानों के लिए जी जी भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ नौटंकी करना आता है, नौटंकी करते हैं जी और मूल मुद्दों से जनता को भटकाते हैं जी। ये कह रहे हैं ये पसमिंदा समाज के लिए काम कर रहे हैं, पसमिंदा समाज के अंदर गुजर आते हैं, अच्छा, राजगीर आते हैं, गद्दी आते हैं, अंग्रेज आते हैं, भड़बूजे आते हैं जी। आप देखिए जम्मू में अच्छा लड़की के साथ रेप किया गया था, उनके बलात्कारियों को भारतीय जनता पार्टी ने माला पहनाने का काम किया। अच्छा, अभी आपने देखा बिल्किस बानो वाले केस, बिल्किस बानो की समस्या ही थी, उनके साथ जब रेप केस हुआ बलात्कार हुआ तो बलात्कारियों को भारतीय जनता पार्टी ने माला पहनाने का काम किया जी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर शर्म खत्म हो चुकी है। अच्छा, वो ना मुसलमानों की तैयारी है ना हिंदुओं की तैयारी है जी, ना किसी की, उसे अदानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, उनको करोड़पति कर रहे हैं और पैसे वालों को। तो पहले से अरबपति है भाई, वो पहले से अरबपति है, पहले से इतने अरबपति क्या है। आप अगर 6 साल का 7 साल का डेटा उठा के देखिए जी, तो अदानी ने 7 साल पहले कहां थे आज कहां आ गए। अच्छा, अंबानी 8 साल पहले कहां थे आज कहां आ गए जी। क्या अंबानी का या अदानी का नाम दुनिया के 200 सबसे अमीर लोगों में था जी, लेकिन आज वो दुनिया के 200 सबसे अमीर लोग बन गए। अच्छा, सबसे फंड बात मैं देखता हूँ जी, जब देश का भारत की रुपया गिर रहा है जी, देश की अर्थव्यवस्था का भरपाई हो रही है और अदानी अंबानी करोड़पति बन रहे हैं जी। ये पसमंदा समाज की बात करते हैं, इनसे पूछिए उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कितने पसमंदा समाज को उन्होंने टेंडर दिए थे,
अच्छा क्या समझेंगे, अगर पसमंदा समाज के लिए इतनी हितैषी थे तो किसी पसमंदा समाज की महिला को, मुस्लिम महिला को ये राष्ट्रपति बना देते, वहां तो राष्ट्रपति नहीं बनाया। तो आप मानते समाज की बेरुखी हुई है? देखिए भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ आज की डेट में भारतीय जनता नहीं, ये समाज की बेरुखी हुई है। आपकी दो राज्यों में सरकार है, वहां पर स्थिति क्या है? वहां पर बेहतर पहल की है पसमांडा समाज के लिए? पार्टी ने दिल्ली में मस्जिदों के अंदर जो इमाम थे उनकी सैलरी बढ़ाई है। अच्छा, अरे पसमांडा समाज की बात बताइए आप, मैं मस्जिद के इमाम की बात नहीं कर रहा हूँ जी। हमारे अभी मैंने आपको शेर सुनाया अल्लाह और इमाम का जी, हमारे लिए मुसलमानों में पसमांडा समाज अगला पिछड़ा है ही नहीं, मुसलमानों में सब एक साथ है, एक लाइन में सब खड़े होकर सब नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, मस्जिद के लिए पसमांडा समाज को जाने के लिए बनाई की गई है जी, छुआछूत है मुसलमानों में जी। भारतीय जनता तो आप सैलरी तो उन्हीं की बढ़ाए ना, सैलरी तो आप इमामों की बढ़ाए, गरीब वर्गों के लिए क्या किए हैं? इमाम जो है पसमांडा समाज में कोई व्यक्ति इमाम बन सकता है जी, नई पार्टी ज्यादा जानकारी जी, कैसी बात कर रहे हैं आप जी। हाँ मान ली, ये मुसलमानों में ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को जाति का समीकरण बांटना चाहती है। अच्छा, जाति का बीज खोलना चाहती है, जैसे इन्होंने हिंदू समाज का बेड़ा गर्क किया। अच्छा, वैसे ही मुसलमान समाज का ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। कल को जमिया समाज की मस्जिद अलग बने जी, लोधी समाज की मस्जिद अलग बने जी, और ये गुजर समाज की मस्जिद अलग बने। अच्छा, अच्छा ठीक है, ठीक है, जवाब लूंगा अभी सवाल भाई से। हमारे साथ बेप्रकाश मिश्रा राडू से जुड़े हुए हैं। बेर भाई, सम्मेलन होते रहते हैं और पहले भी कई पार्टियों सम्मेलन किए हैं और फिर सम्मेलन की शुरुआत हो रही है, पसमांडा समाज का सम्मेलन आज किया गया, सम्मान किया गया पसमांडा समाज के लोगों को, कैसे देखते सम्मेलन को आप? देखिए ऐसा है, सम्मेलन तो होने चाहिए और राजनीतिक दल जी लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करता ही है जी, लेकिन हमारे जो नेता जी जयंत चौधरी जी हैं जी, वो किसी वर्ग को लेकर के कभी ऐसी कोई स्थिति हम नहीं पैदा करते हैं। अच्छा, कि जिससे समाज में छोटे बड़े का कोई प्रादुर्भाव हो। अच्छा, हम किसान सम्मेलन करते हैं। अच्छा, हम नौजवान सम्मेलन करते हैं। अच्छा, हम कर्मचारी सम्मेलन करते हैं ठीक, लेकिन हम जातीयता के आधार पर सम्मेलन करने से परहेज रखते हैं। अच्छा, क्योंकि जातीयता का सम्मेलन करने से जी समाज में एक विभाजन की स्थिति पैदा होती जी है, ऊंच नीच की स्थिति पैदा होती है, और इससे सभी को अगर सभी लोग इससे बचें जी तो मेरी समझ से ज्यादा बेहतर है। अच्छा, वैसे अपनी अपनी सबकी पॉलिसी है, अपना अपना सबका सिस्टम है जी। जिस समय हमारे यहाँ वर्ग विशेष को लेकर के एक सम्मेलन हो रहा था जी, उसी समय पूरे प्रदेश में जी जो परीक्षार्थी थे वो दर दर भटक रहे थे, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि सम्मेलन से थोड़ा इतर हटके जो ये लाखों लोग सड़कों के ऊपर भटक रहे हैं, जिन्हें साधन नहीं मिल रहे हैं, उनके लिए भी कुछ चिंतन मनन होना चाहिए था, उनके लिए भी कोई बात होनी चाहिए थी। नौजवान की बात भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं करती है जी? कर्मचारी की बात क्यों नहीं करती है? महंगाई की बात क्यों नहीं करती है? किसान की बात क्यों नहीं करती है? ये वर्ग विशेष को लेकर के समाज में विघटनकारी स्थिति पैदा करने का जो काम किया जा रहा है, ये न तो देश हित में है न समाज हित में है जी। ठीक है, तो मेरा ये मानना है जी कि नौजवानों के लिए आप बताइए 62,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई काम नहीं करती। 18 जनपद इस समय बाढ़ की चपेट में, जहां लोग भुखमरी की कगार पर आ गए हैं, उसकी भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बात करती है? आखिर ये वर्ग विशेष को लेकर के सम्मेलन करके समाज में कौन सा संदेश देना चाहते हैं? मेरी तो ये नहीं समझ में आता। अच्छा, इससे तो बचना चाहिए कम से कम नौजवान के बारे में, किसान के बारे में। एक तरफ कहते हैं कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी होगी। अच्छा, हम इनको फ्री बिजली देंगे। अच्छा, जब हम विधानसभा में पूछते हैं कि फ्री बिजली देने की क्या योजना है, तो माननीय मंत्री जी कहते हैं कि इसके लिए अभी मेरे पास कोई योजना नहीं है जी। क्या ये तरीका ठीक है जी? क्या इस तरीके का छलावा किसानों के साथ जो किया जा रहा है, ये कहीं से उचित है जी? इस पर भी सरकार का पक्ष आना चाहिए जी। और हमारे जो सम्मानित भाई शामिल है इस डिबेट में जी, उनको भी इस पर भी अपना पक्ष रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अभी रख लेता हूँ। समाज भाई, यहाँ पर हमारे आर्य भाई भी बात कहे, प्रवक्ता कांग्रेस भी, प्रदीप भाई भी आपके ऊपर आरोप लगाए, तकी भाई तो बिल्कुल बोल दिए कि केवल और केवल बेवकूफ बना रहे हैं, क्या देख देखते भाई आप? देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना जी, और विपक्ष को ये सोचना चाहिए जी। जैसे अभी इन्होंने बात की कि हम 14 से 22 तक जीतते आते रहे और जनता ही हमको जिताकर सदन में भेज रहे हैं जी, बिल्कुल ये सोचना चाहिए। और जो
भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ये नहीं कहा कि मुसलमान अल्पसंख्यक है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि मुसलमान भारत का अभिन्न अंग है, हम उसको भारत का अभिन्न अंग मानते हैं। जब देश का बंटवारा हुआ तो जो मुसलमान चले गए स्वेच्छा से, धर्म के आधार पर बंटवारा, जो चले गए वहां पर वो चले गए, लेकिन जो मुसलमान यार रहे उन्होंने भारत माता को स्वीकार किया और इस देश में रहना स्वीकार किया कि हम भारत माता के साथ रहेंगे और अपने हिंदू भाइयों के साथ रहेंगे। लेकिन जो ये नफरत का जो जैसे इन्होंने कहा नफरत फैलाने का काम कांग्रेस से शुरू हुआ, दीवार खड़ी करने का काम कांग्रेस की दौर में शुरू हुआ, अगर कांग्रेस के लोग उस वक्त ना चाहते तो देश का बंटवारा नहीं होता और उस वक्त 15 लाख लोग ना मारे जाते। इसकी जिम्मेदार और सिर्फ कांग्रेस। आप उल्टा आप पे आरोप लगा रहे कांग्रेस वाले, इनका काम है आरोप लगाना, तो ये आरोप लगाएंगे। लेकिन जो सत्य है, जो रिकॉर्डो में मौजूद है, वो यही है कि कांग्रेस के कारण देश का बंटवारा हुआ और देश के बंटवारे में 10 से 15 लाख ऑन रिकॉर्ड मारे गए। ठीक है, उसके बाद आप देखिए जो ये बात कर रहे हैं कि 22 में चुनाव हुआ और लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, मुसलमानों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है, ये मुस्लिम स्कॉलर है, मुस्लिम स्कॉलर है, ये जाकर के गांव में देखें, ये जो गांव में जाकर उस बार का चुनाव हमने जनता एक भी मुस्लिम समाज के प्रत्याशी उतारा आपने? मैं जवाब दे रहा हूँ, मुसलमानों के पक्ष की बात हो रही है, मुस्लिम के बात करूंगा तो बताइए ना, उन्होंने बता रहा हूँ अभी दिल्ली में। अभी इससे पहले हमने शुरुआत की, क्योंकि देखिए आपने जो नफरत फैलाई है उसको भारतीय जनता पार्टी दूर करने में काम आपने करी है, समय लगेगा। इससे पहले नगर निगम के चुनाव में मैंने दिया, मैंने 8 क्या है नगर निगम के चेयरमैन जिताए। अभी जो चुनाव आने वाला है, नगर निगम निकाय का चुनाव आने वाला है, आप सब ये दल देखेंगे मुस्लिम समाज के भारी संख्या में सभासद और नगर निगम और चेयरमैन के और पार्टी का काम है। उच्च स्तर पर इस पर बातचीत चल रही है, टिकट भारतीय टिकट देना हल नहीं है, मुस्लिम समाज का उत्थान जरूरी है, टिकट जरूरी नहीं है। सपा ने 80 टिकट दिए, मायावती ने 100 टिकट दिए, क्या उन विधायकों ने मुस्लिम समाज का उत्थान किया? नहीं किया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कान खोल करके सारी देश की जनता सुन ले। समाजवादी पार्टी जब थी सत्ता में तो यूपीएससी का रिजल्ट आया, 50 यादव यूपीएससी में पास हुए। ठीक है, मायावती जब रहती थी तो ओबीसी के नाम पर बाबू सिंह कुशवाहा और केशव प्रसाद मौर्या जी जो थे, जो चले गए पार्टी छोड़कर आए थे, चले गए, वो उसका लाभ उठाते थे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में आई, सत्ता में आई, तो मदरसों का जो उन्होंने सतीश द्विवेदी को भूल जाते हैं, मदरसों में जो मदरसों में जो आरोप किया, जिसकी वजह से 2200 मुस्लिम बच्चे मदरसे के बैठे और 18 नीट लोगों की परीक्षा पास करके आए। ये उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के, आज मुसलमान शिक्षा की तरफ देख रहा है, आज मुसलमान बाबरी मस्जिद को नहीं देख रहा, आज मुसलमान जो है काशी की मस्जिद को नहीं देख रहा, आज मुसलमान मथुरा की मस्जिद को नहीं देख रहा। अभी मेरा मथुरा दौरा हुआ, वहाँ के मस्जिद माला पहना करके मेरा स्वागत किया और कहने लगे मैं आपस में बैठ कर इसको समझौता करने के लिए तैयार हूँ। आज मुसलमान इस पर तैयार बात कर रहा है। आप लोगों ने अयोध्या के नाम पर ताला खुलवा कर जो झगड़ा फैलाया उसका जिम्मेदार कौन है? भागलपुर मरियाला में जो मुसलमानों को पीएससी के द्वारा गोली चलवाई उसका जिम्मेदार कौन है? मुरादाबाद के अंदर ईद की नमाज पढ़ने गए थे मुसलमान, उनको उनके ऊपर पीएससी से गोली चलवाने वाला जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस को, सिर्फ कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार। उसके बाद कांग्रेस ने जब उपेक्षा की तो जो छोटे छोटे दल पैदा हुए उसी की रणनीति पर झूठ बोलने लगे, सच नहीं हो जाएगा। अगर झूठ को चिल्ला चिल्ला करके बोलेंगे सच नहीं होगा। आप वही कर रहे हैं जो आपके नेता करते हैं, आपके नेता जो करते हैं वही आप कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। जो जोर से चिल्ला रहे थे मुस्लिम समाज का उत्थान होने वाला, आपने हर एक वर्ग को समान भाई प्लीज
ठीक हो गया, सबको बात लेना है। सवाल भाई आपकी बात भी लेना, कांग्रेस की बात भी लेनी है। आर्य भाई अपनी बात पूरी करिए। डिबेट का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है आराम से अपनी बात कहना, सबको मौका देना। यहाँ हमको सबको सुनना है, हमारे सभी लोग हमारे मेहमान हैं और सभी लोग मेरे भाई हैं, सबको सुनना। गौरव जी, ये बहुत बड़ा विषय है कि जितने भी आतंकवादी घटना हुई मुसलमानों ने की, लेकिन कोई भी मौलाना ये बयान देने को तैयार नहीं है कि अगर कोई मुसलमान आतंकवादी घटना करेगा, आतंकवादी में लिप्त पाया जाएगा, वो कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा और उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई जाएगी, उसको भारत के रीति रिवाज से जलाया जाएगा।
ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से बयान दे रहा हूँ, हमारे उलमाओं को इस पर बोलना चाहिए, हिम्मत नहीं होगी किसी मुसलमान की आतंकवादी घटना करने की, ना पाकिस्तान के सपोर्ट करने की। इस बात से सहमत नहीं हूँ गौरव जी, देखिए आप ना सहमत होइए, क्योंकि आप आतंकवाद के सपोर्ट समर्थक हैं, इसीलिए आप इस बात को नहीं स्वीकार करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आप आतंकवादी के समर्थन है, कांग्रेस पार्टी आतंकवाद का समर्थन करती है, भैया साबित हो गया, कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के समर्थन है, हो गया हो गया हो गया सपाल भाई, हो गया सपाल भाई, सपाल भाई कोई भी मुस्लिम ठीक है हो गया, मारा जाता है ठीक है, सपाल भाई हो गया, सपाल भाई हो गया हो गया हो गया। अरे भाई अपनी बात पूरी करिए, मैं छोटी सी बात करके बोलूंगा आतंकवाद के, मुझे मौका दे दें, बोलिए बोलिए, मैं इतना तेज नहीं बोल पाऊंगा ना, मैं प्रैक्टिशनर हूँ, लेकिन अब ये हाइपर हो गए हैं, पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं, लेकिन सर आप बस ठीक है ना, आप बहुत बड़े काबिल वो क्या कहते हैं वो नेता है, अच्छी बात है, आप जवाब दे लीजिए, मैं काबिल नहीं हूँ, आप काबिल है, 1941 में देखिए क्या कहते हैं बंगाल में क्या कहते हैं मुस्लिम लीग की सरकार थी, जिसमें आपके आरएसएस संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस वक्त जो है वित्त मंत्री रक्षा मंत्री थे, और वही मुस्लिम लीग ने हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा प्रोग्राम लाई थी क्या कहते आजादी के टाइम पे, नाथूराम गोडसे भारत का पहला आतंकवादी था जिसने गांधी जी की हत्या करी, अब आप बताइए क्या कहते हैं, और बंटवारे में जो 15 लाख लोग मरे शहीद हो गए मर गए दंगे में, गांधी जी राष्ट्रपिता थे, वो गोडसे जी की पीड़ा थी क्योंकि आजादी जी की पीड़ा थी, क्योंकि आजादी के समय 15 लाख लोग मरे थे, 15 लाख हिंदू हिंदू और मुसलमान मरे थे, भाई थे महात्मा की उपाधि दी गई थी, प्रदीप जी गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी, अब मैं उनसे क्या बात करूं, आप क्या बात कर रहे हो, सम्मानित करने की बात कर रहे हो, उनसे आतंकवादी मत कहिए, गोडसे जी आतंकवादी नहीं थे, गोडसे जी आतंकवादी नहीं थे, हमला करने वाले आतंकवादी थे, जिन्होंने मंदिरों में हमला किया वो आतंकवादी थे, और जिन्होंने अयोध्या में हमला किया वो आतंकवादी थे, जिन्होंने समर्थन पर हमला किया वो आतंकवादी थे, और आपके बाद कोई भी मुसलमान अगर आतंकवादी घटना करेगा तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दफन होने नहीं देगा, पुलिस आपकी है, ईडीआ आपकी है, पर्ची मुकदमा लगा दीजिए, आतंकवादी बना दीजिए, उसके शव को जलाया जाएगा, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ठीक है प्रवक्ता, उसके शव को जलाया जाएगा, ध्यान कर ले जो आतंकवाद है, मुसलमान जो अपने दिमाग में खिचड़ी पका रहे हैं उनके शव को जलाया जाएगा, नमाज जनाजा भी नसीब नहीं होगी, भारत क्लियर कर दिया, मुसलमान से दुश्मनी कितनी रखी हुई है, और इसके बाद सम्मेलन कर रहे हैं जी, ताकि भाई अपनी बात पूरी करिए, सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, सम्मेलन पसमांदा मुसलमान जो त्रस्त हो चुका है कांग्रेस सपा बसपा से वो कर रहा है, बताइए ना, बताइए बताइए, चलिए इस मामले में सम्मेलन से पूछिए, सपाल भाई, सपाल भाई हो गया, सपाल भाई हो गया, सपाल भाई एजुकेशन रिजर्वेशन देंगे, सपाल भाई हो गया हो गया हो गया, सपाल भाई उनको आवाज दिया, उनको रिजर्वेशन दिया, उनको गैस सिलेंडर दिया, आपने क्या किया, आपके प्रधानमंत्री कहते थे मैं 10 रुपया भेजता हूँ तो 1 रुपया पहुँचता है, 90 रुपया जो है हमारे सरकार के अधिकारी खा जाते हैं, ऐसे थे आपके प्रधानमंत्री,
मीसा भाई जुड़े हैं क्या हमारे साथ? क्यों मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री नहीं है क्या? मीसा भाई जुड़े हैं? मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री नहीं है? अगर भ्रष्टाचार भाई और मेहमान भी प्लीज 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 मिशन भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ गौरव भाई। जी जी मिशन भाई बताइए कैसे रहते सम्मेलन को? जी समय बहुत कम है। देखिए माफी चाहूंगा गौरव जी, सबसे पहले कि इतने अहम मुद्दे पर मैं आज देर से जुड़ पाया। कोई बात नहीं, कोई बात बोले था, बट ये है कि जी मुझे जुड़ना जरूरी था क्योंकि ऐसा है मुद्दा था जी। मैं जिस प्रकार से अभी ये डिबेट में अभी थोड़ी देर से शामिल हुआ हूँ जी, पर मैं देख रहा था कि इतने अहम मुद्दे पर जिस तरह से लोग लड़ रहे हैं जी, बिल्कुल लड़ रहे हैं, और जिस तरह से ये जनता की आवाज बन के यहाँ पर बैठे हैं जी, जब जनता ही नहीं समझ सकती है कि मेरे बारे में ये क्या कह रहे हैं, तो फिर आमजन और बहस करने से और आपके इतने अहम मुद्दे पर डिबेट कराने से क्या फायदा जी। और रही बात, अभी कोई एक महाशय ये बात कह रहे थे कि जो मुसलमान आतंकवादी होगा या आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाया जाएगा वो दफनाया नहीं जाएगा, वो जलाया जाएगा। बिल्कुल बीजेपी के मुझे हाँ ये तो मुझे लगता है कि इनको माफी मांगना चाहिए। बिल्कुल माफी नहीं मांगना चाहिए, आतंकवादी के साथ यही होगा, क्योंकि इससे आम मुसलमान बदनाम होता है मिशन साहब, इससे आम मुसलमान बदनाम होता है, घटना करके वो चले जाते हैं, बद खामियाजा जो है आम मुसलमान को भुगतना पड़ता है। इनसे कहिए कि मेरी पूरी बात सुने। बोले भी समय, बोले तो ये जिस तरह से जलाने की बात कह रहे हैं तो इस तरह से पूरे सनातन धर्म जी बिल्कुल जी बिल्कुल, कि अगर सनातन धर्म में कोई शब्द जलाया जाता है तो क्या उसको सजा दी जाती है जी? इनको शर्म आना चाहिए जी। जलाला और दफनाना एक तरह की धार्मिक प्रथा है, प्रथा है, और ये बहुत जाहिल आदमी है जो ये कह रहे हैं जलाया जाएगा। मिशन साहब जाहिल आदमी आप हैं, जाहिल आदमी आप हैं, वो सनातन धर्म में जलाना है, इस्लाम में जलाना नहीं है, इस्लाम में सिर्फ आतंकवादियों को जलाया जाएगा। जो यह होगा ये भारत का मुसलमान करेगा, क्योंकि आपने मुसलमानों के साथ छल कपट किया आपकी पार्टी ने। आज मुसलमान जागरूक हो चुका है, आज मुसलमान जागरूक हो चुका है। इस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी पसमंदा समाज का नाम ले करके जिस तरह से उनको डोरे डालने का काम कर रही है, तो वो मैं उन पसमंदा समाज के लोगों से और उन मुसलमान बुद्धिजीवियों से जो भारतीय जनता पार्टी के लालच में पद ले करके बैठे हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि ये उस तरह से है कि जैसे कोनी में गुड़ लगा देना। अच्छा। और आदमी वो गुड़ देख देख करके बेचैन रहेगा, ना उसको चाट पाएगा ना उसका वो गिलास कर पाएगा। अच्छा। तो उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है। और रही बात, साहब ने एक बात हमेशा कही थी कि हिंदू राष्ट्र की भी वकालत की थी, अगर पसमंदा समाज को जोड़ दिया जाएगा मुसलमानों को तो क्या उनको हिंदू बनाया जाएगा जी? तो फिर हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा जी? जब आप अभी आरएसएस और आपके अलायंस जो है लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं जी, तो ये दोहरी नीतियां जो है उससे उनके अलायंस को और हमारे हिंदू धर्म भाइयों को जो कट्टर है, जो इनके बहकावे में किसी ना किसी तरह से आकर के मुसलमानों को अपना दुश्मन समझते हैं गौरव भाई जी, उनके लिए एक सबक है कि वो देख लें और सीख लें कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए आतंकवादियों को जी, पाकिस्तानियों को जी, कश्मीर के अलगाववादियों को जिस तरह से संगठन के गठबंधन करते आए हैं जी, इनमें इनको कोई गुरेज नहीं है गौरव जी जी, ये किसी भी पल किसी भी पार्टी से जी सत्ता को बचाने के लिए जी गठबंधन का कार्य करेंगे जी, हमारे लिए नहीं, ये उन के लिए कहना चाहता हूँ, आपकी बात को उन भारतीय जनता पार्टी के लिए आपकी बात को ले रहा हूँ, ये बात कहना चाहता हूँ कि जो इस तरह के सपने देखते हैं और जिनके दिलों में मुसलमानों के लिए वो कहते रहे सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, कहते रहे सबका साथ सबका विकास जी, जब सबका विकास ये कर रहे थे तो आज इसके पसमंदा का नाम लेकर, जबकि आपने देखा नहीं कि ये तो एक अजीब चीज है कि सूरज जो है वो आपने देखा कि पूरब की जगह पश्चिम से निकल रहा है। अच्छा। गंगा उल्टी बह रही है, किस तरह से मुसलमानों को जोड़ने का काम कर रहे हैं आपको पता है जी? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि तो आम नागरिक है, मैं तो नागरिक कहूंगा जी, भारत का और प्रदेश का जी, हिंदू मुसलमान नहीं, मैं किसी वर्ग में नहीं बांटूंगा। बिल्कुल सही बात। वो अब समझ रहा है कि रोटी की जरूरत है, नौकरी की जरूरत है, रोजगार शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है, सेवाएं सब ठप पड़ी हैं, लिहाजा इनके पैरों तले जमीन निकल रही है, अब इन्होंने नरम चारा देख करके मुसलमानों के ऊपर
जिस तरह से अब तक ये कटाक्ष करते आए थे, कभी मस्जिद में लाउड स्पीकर के नाम पर, कभी तीन तलाक के नाम पर, कभी बुरखे के नाम पर, आज सब भूल करके मुसलमानों को गले लगा रहे हैं। मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि न तो ये मुसलमान के दोस्त हैं, न ये हिंदू के दोस्त हैं, ये सिर्फ अपनी राजशाही और राजगद्दी के मित्र हैं। और इन्होंने ये सिद्ध कर दिया है गौरव जी, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो वकालत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनको इस तरह से माल दे करके कहावत है 900 चूहे खाके बिल्ली हंस को चली। अच्छा, कौन खाया चूहा? चूहा कौन खाया? और भारतीय जनता पार्टी जो लगातार मुसलमानों को हित आहित करती आई है, वो आज हित की बात कर रही है। ये सारे भगवान जो है यही सब यही पेट में दर्द हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों मुसलमानों की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सारे भगवानों को बाबरी मस्जिद में करा देती है। मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, ज्ञान की बातें कर रहे हैं, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान ही ना बना दे। इस्माद हुसैन साहब इस बारे पूरी भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों में विलय करा दे। इतना प्रेम मुसलमानों से है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान बना दे और समस्या हल हो जाएगी। जो परेशानी चल रही है भारत के अंदर हिंदू मुसलमान चल रहा है, उसका सोल्यूशन है जमात हुसैन साहब लीड करे और सारी भाजपा को पूरी मुसलमानों में मिला दे। जब भाजपा को मुसलमानों से इतना प्रेम है कि बिना मुसलमानों का नाम लिए इनके गले से रोटी नहीं उतरती है। हर मामले मुसलमान बाबरी मस्जिद का मामला चला, अब ज्ञान माफी मस्जिद का मामला आ गया, सुबह शर्मा का मामला चला, ईदगाह का मामला चल रहा है। ये सुबह से शाम तक ये ढूंढते रहते कहां से मुसलमानों को हम बीच में लेके आए। अच्छा, कोई मामला हो ना तो मुसलमानों को ले आए। अच्छा, तो ये सब मुसलमानों से इतना इनको प्यार है, बिना मुसलमानों का नाम लिए इनकी रोटी गले से नहीं उतरती, तो ये पूरी भाजपा को मुसलमान बना दे। आपको प्यार है कि नहीं है? आपको प्यार है कि नहीं है? हमें तो हिंदुओं से भी प्यार है, हमें तो सिखों से भी प्यार है, हमें तो जैनियों से भी प्यार है, हमें भारत देश में उत्पन्न हुए हर व्यक्ति से हर महिला से प्यार है। अच्छा, हम किसी प्यार कब से उमड़ा? हम सबको गले लगाते हैं, प्यार कब से उमड़ा? और हमेशा प्यार करते रहेंगे और शिफाल हुसैन साहब को भी प्यार करेंगे। अच्छा, ये भोग है भाजपा के, लेकिन है तो भारत के नागरिक। चले, क्या बातें करें, नागरिक तो इनको ह्यूमन राइट के बारे में मालूम नहीं। एक आदमी अगर वो आतंकवादी मर जाता है तो उसकी शरीर की रक्षा करना मानव धर्म है। जी बिल्कुल, उसके उसके उसकी जाति के हिसाब से, उसकी धर्म के हिसाब से करना चाहिए। बिल्कुल, ये इतना गंदा स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये स्टेटमेंट अगर बीजेपी भेज दिया जाए तो आतंकवादी का कोई धर्म ही नहीं होता। कभी भी किसी साहब आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। अमेरिका हो चाहे जहाँ कुछ भी हुआ है, वहाँ कभी किसी के शरीर के साथ मरने के बाद सम्मान दिया जाता है। नीच हरकत नहीं हो सकती कोई कि आपको शरीर इसी पार्टी शरीर है, कोई भी था वो शरीर जीवन से पहले कुछ था, लेकिन उसके बाद उसका ह्यूमन उसका इंसान का शरीर है, उसके साथ आप इस तरह के अभद्रतापूर्ण कार्रवाई नहीं कर सकते आप। जी बिल्कुल, और मैं तो कहता हूँ इनको प्रेम करता हूँ, पंडित तिवारी साहब को प्रेम करता हूँ, आरिफ बेग साहब आपको प्रेम करता हूँ, आप हमारे दोस्त है नहीं है जी। तो देश जो है आतंकवादी सैकड़ों लोगों को मारता है तो उनके उनके शरीर में आत्मा नहीं थी। अब आपको नाथूराम गोडसे आतंकवादी दिखते नहीं है, नाथूराम गोडसे जी हो जाते हैं। ये आतंकवादी है, अरे फर्जी स्कॉलर साहब आतंकवादी था। नहीं, आप बहुत बड़े पढ़ता है, आप कहिए, आपको कह रहे हैं, आप कहिए, आप कही नाथूराम भोसले आतंकवादी था, आप कही सरवाकर जो है अंग्रेजों का दलाल था, बाबी मामा मनांगा लिखता था, कही आप 1947 में बंटवारे में जो 15 लाख लोग मरे उसका जिम्मेदार कौन था? आरएसएस जिम्मेदार थी। 15 लाख जो लोग जो मरे उसका जिम्मेदार कौन था? मुस्लिम लीग के साथ सरकार, आपने बताया मुस्लिम लीग के साथ में, मुस्लिम लीग जिन्ना की पार्टी थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया। गौरव भाई, इनके जवाब अभी पार्टी बनी है, समझ में फाइनली समझ में जवाब याद होगी। कतरीम साहब लगा रहा है, अंदर हिम्मत रही है कि महंगाई बात कर सके, बेरोजगारी बात कर सके, महिलाओं के साथ मान हो रहा है, उसके बाद आए दिन बलात्कार हो रहा है महिलाओं के साथ, वो सारे बलात्कारी भाजपा के लोग निकल रहे हैं, उसे बात कर सके। ठीक है, ठीक है, तकी भाई हो गया, हो गया, चाहिए नाम मिटाने के लिए। तकी भाई हो गया, बीर भाई अपनी बात करिए। बीर भाई, बहुत समय कब मिला आपको आज, चूंकि बड़ी चर्चा बड़ी गर्म रही है, बोलिए। समय जितना आप हमको देंगे हम वही बोलेंगे। अब समय तो दे रहा हूँ, क्या करूँ अब यहाँ पर सबार भाई, भाई और... हम तो बीच में बोलते नहीं, आप जानते हैं मेरे स्वभाव में नहीं है, स्वभाव में नहीं है, मैं बीच में नहीं बोलता जी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जिन मुद्दों को हमने उठाया था जी, हमारे जो प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से है, उनसे मैंने ये अपेक्षा की थी कि शायद इन मुद्दों पर भी चर्चा होगी। वेद प्रकाश जी, आप बहुत वरिष्ठ दिख रहे हैं,
आज की डिबेट किस मुद्दे पर थी जी? पसमांदा समाज पर। पसमांदा समाज पर किस मुद्दे पर डिबेट थी? आप बड़े वरिष्ठ लग रहे हैं हमको वेद प्रकाश जी। जी जिस मुद्दे पर डिबेट है उसी मुद्दे पर बात करेंगे ना जी? आइए किसी दिन महंगाई पर बात करते हैं। ऐसा है कि बात जो हुई है वो उस विषय पर भी नहीं हुई है। नहीं, उस विषय पर हुई है, पूरी तरह से हुई है। मुसलमानों को जो आजादी के बाद से छला गया है उस पर बात हुई है। मुसलमानों को आजादी के बाद से जो सपा बसपा ने छला है उस पर बात हुई है। अरे बारी बारी बोले, प्रदीप भाई को बोलना चाहते हैं, इस पर बात करेंगे ठीक है? मुस्लिम के ऊपर कोई बात नहीं की, बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। मुसलमानों के साथ इस देश में पार्टियों ने ठीक है मीसा भाई कुछ बोलना चाह रहा है। मीसा भाई हो गया मुसलमानों की कोई बात नहीं, हो गया आप मुस्लिम विरोधी लग रहे हैं, हो गया वेद प्रकाश आप मुस्लिम विरोधी लग रहे हैं। अब लोग समय कम है बारी बारी बोले, बारी बारी से आपने मुस्लिम पसमांदा मुसलमानों के एक बार तो बोल देते आप, हो गया एक बार तो बोल देते। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी को महंगाई पर जनता वोट ठीक है। प्रदीप भाई अभी 24 का चुनाव है, मुसलमान भाजपा से जुड़ गया, पूरी तरह से मुसलमान भाजपा से जुड़ गया। 6 करोड़ मुसलमान उत्तर प्रदेश में है, 6 करोड़ मुसलमान, 6 करोड़ मुसलमान उत्तर प्रदेश में है। ये जवाब देगा पप्पू की यात्रा को, ये जवाब देगा औरंगजेब को, ये जवाब देगा मर्यादा में। मायावती तो खत्म हो गई, बिल्कुल चलेगी। आपने मुसलमानों का नाम क्यों नहीं लिया? आपने पसमांदा मुसलमानों का नाम क्यों नहीं लिया? वेद प्रकाश जी एक बार मुसलमानों के लिए बोल दीजिए। वेद प्रकाश जी एक बार बोल दीजिए। अरे वेद प्रकाश जी, अरे एक बार पसमांदा मुसलमानों के लिए बोल दीजिए। आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, बिहार में बताया जाएगा, मुसलमान जवाब देगा आपकी पार्टी को। वेद प्रकाश जी एक बार बोल दीजिए, बिहार में भी पसमांदा मुसलमान है। अरे वेद प्रकाश जी बोल दीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़े मुसलमान को कश्मीर से जो है। अरे वेद प्रकाश जी बोल दीजिए, अरे वेद प्रकाश जी एक बार बोल दीजिए, अरे पसमांदा मुसलमानों के लिए बोल दीजिए वेद प्रकाश जी, अरे बोल दीजिए आप। अरे यही कह दो कि हम मुसलमानों के विरोधी हैं, अरे आप मुस्लिम विरोधी है, बोल दो वेद प्रकाश जी, बोल दो मुस्लिम विरोधी है। अरे वेद प्रकाश जी बोल दो, अरे एक बार बोल दो वेद प्रकाश जी, अरे बोल दो भैया एक बार बोल दो। समय कम है। प्रदीप भाई अपनी बात बोलिए। बोलिए जिस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाजपा के नेता ने जिस तरीके से आपके चैनल पे आकर के महात्मा गांधी के हत्यारे की पैरवी करी, उनको सम्मानित करने की बात करी, मुझे बड़ा कष्ट है। मैं आपसे भी चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से जो आजादी के बाद भारत जो जिस तरीके से कृत्य किया गया नाथूराम गोडसे के द्वारा, वो आतंकवादी घटना से किस तरीके से कम थी? जिस व्यक्ति ने संपूर्ण जीवन इस देश के लिए निछावर कर दिया, उसको मार दिया गया, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, और चैनल पे बैठ करके आप भारतीय जनता पार्टी के नेता उसकी पैरवी कर रहे हैं। मुझे 15 लाख लोग बंटवारे में मरे, 15 लाख लोग बंटवारे में मरे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रदीप जी उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, 15 लाख लोग बंटवारे में मरे, 15 लाख लोग बंटवारे में मरे, 15 लाख लोग बंटवारे में मरे, जिम्मेदार कौन?
करी। इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए सुनिए ना, कौन जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार आप जैसे प्रवक्ता हो, भाग क्या कहते हैं, आरएसएस 15 लाख लोग बंटवारे में मरे, इसके जिम्मेदार कौन? ठीक है, पंद्रह लाख लोग बंटवारे में मरे, बंटवारे में मरे, आप कांग्रेस के प्रवक्ता है, 70 साल राज किया आपने, भागलपुर मेरा मुरादाबाद में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, बताइए बंटवारे में 15 लाख लोग मरे, कौन जिम्मेदार? बताइए कांग्रेस पार्टी के लोग जवाब दे, 15 लाख लोग बंटवारे में मरे, इस बंटवारे का जिम्मेदार कांग्रेस, 15 लाख लोग मरे, इसकी जिम्मेदार कांग्रेस, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। मैं कह रहा हूँ इस पे देखिए, जो 15 लाख लोग मरे मरे की बात कर रहे हैं, 15 लाख लोग मरे हैं, इसकी पूरी जिम्मेदारी आरएसएस की है, आरएसएस की है, आप हमसे ज्यादा आइएगा, डिग्री मिला लीजिएगा, अगर आपसे कम डिग्री होगी तो आज के बाद में डिबेट में नहीं बैठूंगा। क्या बात करते हैं आप? मुस्लिम स्कॉलर नहीं होते हैं, पहले अपनी डिग्री बदल कर आइए, दोबारा आपकी बात का जवाब दूंगा। धन्यवाद टकी भाई, टकी व्यापार पूरी करिए, बोलिए आपसे, ये कब बन रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री कब बनने जा रहे हैं? ये जो पसमंदा समाज की बात कर रहे हैं, मैं कभी कब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? 70 साल कांग्रेस रही तो मुसलमान नहीं बना, मुसलमान रक्षा मंत्री बनने जा रहा है, कब मुसलमान गृह मंत्री बनने जा रहा है बीजेपी में, उज्जैन से कब मुसलमान आरएसएस का प्रमुख बनने जा रहा है, उज्जैन से मुसलमान को आरएसएस का प्रमुख बनाएंगे, आज तक महाराष्ट्र के अलावा किसी और ब्राह्मण को नहीं बनाया भाई, मुसलमानों की तहसील बने मिलने जाते हैं भागवत साहब, तो पेट दर्द तो होने लगता है सबको, आरोप प्रत्यारोप होने लगते हैं, अगर कहीं सौहार्द की बात होती है तो क्यों आरोप बनते हैं? जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा का विषय था कि बीजेपी का मुस्लिम प्रेम है या सबके साथ सबके विकास की धारा को आगे बढ़ के लाना है, जो समाज लगातार पिछड़ा हो रहा है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास है, सम्मेलन के माध्यम से सम्मानित कर उनको विकास की मुख्य धारा में लाने का प्रयास है या चुनाव की तैयारी है। खैर, विपक्ष का काम है आरोप प्रत्यारोप करना, और विपक्ष हमेशा सरकार हो या दूसरी सत्ता पक्ष की कोई पार्टी हो उस पर आरोप लगाता है कि ये हर जो फैसला है ये राजनीति प्रेरित है। आने वाले समय में किस तरह से और सम्मेलन होंगे, किस तरह से तमाम चीज़ें सामने कल के आएंगी वो वक्त बताएगा, पर हमारे देश में चुनाव को देखते हुए सम्मेलन की प्रथा केवल नई नहीं है, ये बहुत पुराने समय से चली आ रही है, और सभी पार्टी समय समय पर सम्मेलन करते हैं, जनता को एकजुट करना चाहे यात्रा के माध्यम से चाहे सम्मेलन के माध्यम से प्रयास पार्टियों का रहता है और प्रयास लोकतंत्र में चलता रहता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र के नाते यहाँ पर चुनावी सरगर्मियाँ चलती रहती हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि अगर हम सौहार्द की बात करना चाहते हैं, अगर हम विकास की बात करना चाहते हैं तो उस पर समर्थन होना चाहिए, और अगर सभी वर्ग जो वर्ग इस समय विकास की धारा में नहीं है या पिछड़े हुए हैं या जो उपेक्षा के शिकार हैं उनको आने का लाने का प्रयास सभी पार्टी करें तो बेहतर होगा, तभी एक स्वस्थ भारत की हम बुनियाद रख सकते हैं। तो आज की चर्चा में इतना ही, भुजेंद्र जी नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।